चंडीगढ़ सेक्टर 42 के पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में प्रोफेसर पंडित राव ने माँ बोली की अहमियत बताई। उन्होंने बताया कि आज की पीढ़ी के लोग अपनी माँ बोली भाषा भूलते जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा की कदर, सम्मान और आदर करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी इसकी अहमियत को समझे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रोफेसर पंडित राव को सम्मानित भी किया। इसी के चलते जब हमने प्रोफेसर पंडित राव से बातचीत की, उन्होंने बताया, सर आप बेसिकली कर्नाटका से हो तो आप पंजाबी को इतना प्रमोट क्यों करते हैं? हाँ, प्रमोट इसलिए है क्योंकि पंजाब की राजधानी में हम पंजाब की रोटी खाते हैं, पंजाब के पानी पीते हैं, तो पंजाबी भाषा का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ का रोटी खाते हैं, वहाँ का भाषा का सम्मान करना धर्म है, यही सच्चाई है, इंसानियत है। तो मैं कर्नाटक से हूँ लेकिन यहाँ पे रहता हूँ तो सीखना चाहिए। और ये बहुत ही खूबसूरत भाषा है, बाबा नानक की, बाबा फरीद, गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु ग्रंथ साहब जी जुबान है, ये शिव कुमार बटालवी पांच उदासी की भाषा है। ये मैं सीखना मेरे लिए, मेरे कर्नाटक के 8 करोड़ लोगों के लिए मान वाली गल है। सर आपने कर्नाटका में, मतलब कर्नाटका लैंग्वेज में बहुत से पंजाबी जो पार्ट है उसको ट्रांसलेट करे, हाँ। ऐसी आपने कोई और लैंग्वेज को भी करे है? नहीं नहीं, मैं सिर्फ कन्नड़ भाषा से पंजाबी, पंजाबी भाषा से कन्नड़, क्योंकि उस दोनों भाषा में माहिरपन मुझे लगता है मेरे पास, इसलिए वो कर सकता हूँ तो किया हूँ। आपने कौन कौन से पाठ किए ट्रांसलेट? हाँ, श्री जपजी साहब, श्री सुखमनी साहब, आशा दीवार कन्नड़ भाषा में किए हैं गुरुमुखी से। और कर्नाटक में 12वीं सदी में बहुत बड़ा क्रांति हुए थे, वचन आंदोलन कहते हैं, उस वचन को कन्नड़ से पंजाबी में अनुवाद किए, बसवन्ना अल्लम प्रभु आक्का महादेवी, उनको वचन को हम पंजाबी में किए हैं। आप कह रहे थे कि हाँ आप स्टूडेंट्स को जो रिस्पेक्ट करेगा अपनी मदर टंग, तो आप उनको स्कॉलरशिप देंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने घोषणा किया हूँ आज, जो एमए में अच्छे मार्क्स लेंगे उनको हम 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप अनाउंस किया देंगे हम। हमको 1,80,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें खर्च तो करें हम, बांटे दसवंत निकालने के लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, तो दसवंत निकालेंगे हम, क्योंकि बाबा नानक की सोच को अपनाने की जरूरत है, सिर्फ बोलने के काम नहीं चलेगा, उसको दिल में उतारने की जरूरत है। मैं बांटेंगे हम, क्योंकि जब तक इस भाषा की बनता हुआ सम्मान नहीं मिलेगा हम बांटते रहेंगे। आपने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं जी, हाँ जी, उनके बारे में बताओ। हाँ जी, कुछ किताब ऐसा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोग भी है, जैसे सत श्रीकाल डॉक्टर साहब है, जो पीजीआई में डॉक्टर्स है, उनको दक्षिण भारत से है, वो पंजाबी बोलने थोड़ा दिक्कत है, इसलिए पेशेंट का तो पंजाब से होते हैं, उनके साथ बात करना, इसलिए मैंने सत श्रीकाल डॉक्टर साहब लिखा हूँ, ताकि वो पढ़ सके, समझ सके और पेशेंट के साथ पंजाबी में बात कर सके। कैसे पेशेंट के साथ बात की जाए, वो है किताब हमारा डॉक्टर सत श्रीकाल डॉक्टर साहब। उसके बाद भाई जयता जी, जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेके आए थे चांदनी चौक से श्री आनंदपुर साहब तक, वो श्री गुरु कथा लिखे थे, बड़ा सुंदर, पूरा सच्चाई बोले थे, कैसे हुआ घटना का, वो कैसे लिखे है, सारे मैंने लिखा हूँ। उसका अलावा किताब है लिखे है जी, वो बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन भी है, सप्तऋषि पब्लिकेशंस, तुसी जाके चेक कर सकते हो, ऑनलाइन है सप्तऋषि, तो ई स्टार बुक स्टार्स ऑनलाइन है, अवेलेबल है, तुसी खरीद सकते हो। सर माँ बोली पे आप बताओ क्या बोलते? मैं ये देखो, ये माँ बोली सत्कार करो, माँ बोली का सम्मान करो, माँ बोली बोलन दे महसूस करो, मान महसूस करो, क्योंकि माँ की भाषा है भाई, साड़ी माँ है, माँ तुसी बेकदर दूर नहीं जा सकती, इसलिए मैं लिखा माँ बोली का सत्कार करो जी, ताई भाषा के गौरव कोड़ी, मातृभाषा का सम्मान करो, ये उर्दू विच भी लिखा है, जुबान दा सम्मान करो, तो रिस्पेक्ट मदर लैंग्वेज जी, शुक्रिया।